अमानगंज में प्रदेश कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही किसानों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रस्तुत। हमारा जो है प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन पर जो धरना कार्यक्रम था हमारा 4/12/2020 क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि वर्षा से जो फसल नुकसान हुई है, इसकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से जाकर विचार है अक्टूबर को जो उन्हें मांग की उसका सर्वे कराया जाए। जो हमारी 6600 जो है 21.28 करोड़ की राशि जो है सर्वेयर ने जो दी थी उसके साथ जो है हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त नहीं हो रही है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, और जबकि जो भाजपा NDA सरकार जो शासित प्रदेश हैं कर्नाटक है, बिहार है, उनको उन्होंने राशि दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ऐसा नहीं कुछ नहीं किया जा रहा है। किसानों की हालत ठीक नहीं। आज हमारे पन्ना जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दे करके केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाली 14 तारीख को इसी दिसंबर में दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं अभी राशि दी गई 1000 करोड़ की राशि दी गई है, बहुत नाम मात्र की राशि देना ही उचित नहीं। हमारी 66.28 करोड़ रुपया इसमें गांव गांव तक आंदोलन हो जाए, किसान जो निकल आएगा पूरा। और यहाँ मध्य प्रदेश के जो 28 सांसद जो जनता ने चुने हुए हैं, ये मूक दर्शक बने हुए हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की अतिवृष्टि वर्षा की आवाज। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, अमानगंज।